साथियों, आज हमें मावलंकर हॉल यहाँ पर सम्यक महासम्मेलन तृतीय का आज आयोजन किया गया है और हमारे साथ है प्रोफेसर सतीश। दलित चिंतक हैं, दलित आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो दलितों के ऊपर जो बेतहाशा दलितों के ऊपर शोषण की जो प्रक्रिया ये दलित विरोधी सरकार कर रही है, उससे दलित जो आंदोलन है उसका रुख क्या है, दलित आंदोलन किस तरफ जा रहा है। जी प्रोफेसर, हमारे दर्शकों को जरा संक्षिप्त में ऐसा कि चाहे बुरे हालात हो, चाहे मजबूरी में दलित आंदोलन लोगों के अत्याचार नहीं, मैं ये मान लूँ कि कभी कभार आदमी जब हालात से मजबूर हो जाता है और वो अपनी ताकत को इकट्ठा करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो समय है ये दलित आंदोलन का स्वर्ण काल चल रहा है और दलित जो है बड़ी मजबूती के साथ अपने अधिकारों की मांग भी कर रहा है और इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी भी चाह रहा है। सिर्फ सम्मान की मांग नहीं कर रहा है वो, लोगों की चिंता का विषय ये है कि कल तक दलित जो है सिर्फ आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ता था, सिर्फ पहचान की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन आज का जो दलित है वो हिस्सेदारी की बात करता है। लोगों में यही चिंता का कारण है और सरकार अभी 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 जैसे 2 अप्रैल के बाद इस देश में एक और घटना घटी कि अभी सरकार ने दलित को ये कहा, अगर मुझे दलित कहने में स्वाभिमान हो रहा है और सरकार ये कह रही है कि दलित शब्द को ख़त्म कर दो, ऊपर से दलित का रिएक्शन देखो कि दलित ये कह रहा है कि नहीं मुझे दलित होने में गर्व है और वो दलित को डिफाइन कर रहा है, वो दलित शब्द की अलग अलग व्याख्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि दलित मूवमेंट की ताकत है और मुझे ऐसा लगता है कि दलित जो है उसके जीवन भर कष्टों का जो कारण रहा, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो पहचान है, उसको लोगों ने खराब किया। आज दलित जो है अपनी उसी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ रहा है और उसकी अच्छाइयों को उभार रहा है। 2 तारीख के आंदोलन के बाद आपको क्या लगता है, 2019 के चुनाव सिर पर है, क्या लगता है बहुजन समाज तख्ता पलटेगा? नहीं देखो, ऐसा है ना, दलितों का दो आंदोलन, दलितों का सामाजिक आंदोलन जो आज इस रूप में चल रहा है, लेकिन आज भी मेरा मानना यह है कि दलितों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो पॉलिटिकल मूवमेंट, उसका पॉलिटिकल पार्टी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, निश्चित रूप से अभी बहुजन समाज पार्टी ही वहाँ खड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसा भी होगा नहीं, देखो अगर परिवर्तन, जो आम तौर पर लोगों को ये समस्या रहती है कि दलित का वोट किसको जाएगा, दलित का वोट उसको जाएगा जो उसके अधिकारों की बात करेगा, यही उसकी मांग अपने लीडर से भी है, यही उसकी मांग दूसरे लीडर के साथ भी। मेरा मानना यह है कि जो दलितों के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग या दलितों की जो पार्टियां हैं, उनको दलितों की मांग को बहुत मजबूती से रखना चाहिए और दलित क्या सोच रहा है इस मनोस्थिति को भी जानना चाहिए। अभी आपने मंच से कुछ आरक्षण के ऊपर भी कहा कि मेरी जो नौकरी लगी वो आरक्षण के बल पर लगी, लेकिन आज का जो हमारा युवा है कहीं ना कहीं इस बात से अछूता है, इस बात की उसको शायद, या तो हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को बता नहीं पा रहे हैं कि आरक्षण के क्या लाभ है। कृपया आप हमारे चैनल के माध्यम, नहीं नहीं देखो, आज दलित जहाँ भी खड़ा है उसके खड़े होने में पॉलिटिकल कुछ नहीं, कहीं ना कहीं बाबा साहब का ये अधिकार है जो आरक्षण है, उसने पहले शिक्षा ली, ठीक है ना, शिक्षा भी उसके पास कहीं ना कहीं आरक्षण के थ्रू ही आई और आरक्षण ने ही उसको नौकरी दी। और अगर उसके पास आरक्षण नहीं होगा तो दलित इस स्थिति में नहीं होगा कि ये अपनी बात को इतनी मजबूती से नहीं कहेगा, उसके पास सारे संसाधन है और दलितों का ये संवैधानिक अधिकार है। और आपको एक बात और माननी पड़ेगी कि अभी कुछ लोग उसमें क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है और ये मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि पूना पैक्ट के बाद अगर इस देश में दलितों के साथ कोई सबसे बड़ा धोखा होगा तो उसमें उनके आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात करना है, क्योंकि वो क्रीमी लेयर के माध्यम से दलित समाज को मजबूत नहीं करना चाहती। जिस प्रकार बाबा साहब ने पृथक निर्वाचन की बात करके अपनी बात रखी, बाबा साहब का ये मानना था कि अगर दलितों के चुने हुए व्यक्ति अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो वो मजबूती से बात करेंगे, लेकिन गांधी जी ने उनकी उस मांग को नकारते हुए वहाँ संयुक्त निर्वाचन की बात करी और उसी का परिणाम है कि आज 131 दलित सांसद और इस देश में 1100 विधायक होने के बावजूद भी आखिर दलित क्यों मजबूर है सड़क की लड़ाई खुद लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया प्रमोशन में आरक्षण का लॉलीपॉप जी, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, वो आरक्षण में जो अभी लॉलीपॉप वो है नहीं, अभी तो उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है। ये आप ये मान के चलिए
कि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने जैसे मैंने उस डिसीजन को पढ़ा है उसमें जो प्रशांत भूषण है जो विपक्ष के वकील हैं उन्होंने वो मांग ही नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट अपने आप से देखिए न्यायालय का कि नियत के ऊपर तो सवाल नहीं उठा सकते लेकिन असहमति जता सकते हैं आप, ये राइट है, ये लोकतंत्र का राइट है। मतलब गांव में कहावत है कि चने के साथ गुड़ लुभाव में दे दो। नहीं नहीं गुड़ में नहीं, देखिए आप ये सुप्रीम कोर्ट को इस बात को जानना चाहिए कि अगर एम नागराजन के क्लोज नंबर 4 में अगर क्रीमी लेयर की बात है तो अगर आप आरक्षण के अंदर दलितों के आरक्षण के अंदर अगर आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं तो ये संविधान संगत बात नहीं है, क्योंकि जो दलितों का जो आरक्षण है जो 16(4) कै में दिया गया है उनका आधार सामाजिक और क्या है शैक्षिक आधार है, उसमें आर्थिक कोई आधार ही नहीं है। आप ओबीसी की बात को या तो आप उसमें संविधान में परिवर्तन करें, लेकिन इसके लिए मतलब आपको ये बात माननी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात माननी चाहिए कि क्या नौकरी पाने से या आर्थिक रूप से मजबूत होने से दलित की जाति चेंज हो जाती है। जब दलितों का सामाजिक आधार ही चेंज नहीं हुआ तो उसका आरक्षण कैसे चेंज हो जाएगा। सतीश कुमार, सतीश और दलित राजनीति में क्या संबंध पाते हैं? नहीं देखो ऐसा है ना, एक बात मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, मैंने कल भी कहा था मैं आज भी कहा, मेरा ये मानना है चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि दलित मूवमेंट जिस दिशा में जा रहा वो अच्छा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक यूथ, मेरा ये मानना है कि उसमें नए लीडर पनपने की संभावनाएं हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर नए लीडर, क्योंकि लीडर को आप एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, लीडर पनपने में भी 20 साल लगते हैं, तो आपको नए जो दलित मूवमेंट है, जो दलितों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसमें भी कुछ ऐसी संभावनाएं होती है कि अगर कोई लड़का या अगर कोई लड़की अगर संघर्ष करके अपनी पहचान बना रहा है तो दलित पॉलिटिक्स को उनके लिए कोई ना कोई स्पेस देना चाहिए, ताकि वो लोग जो दलितों की ऊर्जा है, जो दलितों की ताकत है, उनकी उस ताकत का उपयोग दलित समाज के हित में किया जा सके। देश के नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2019 के चुनाव सिर पर है, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाती है, दलित प्रधानमंत्री का सपना पूरा समाज देख रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। नहीं देखो मेरा मानना यह है कि 2019 का जो इलेक्शन है ये जो प्रधानमंत्री वाली जो बातें करते हैं वो दलित तो नहीं करते, दलित प्रधानमंत्री की बात कभी दलित नहीं की, दलित प्रधानमंत्री की बात वो लोग करते हैं कि जो दलितों को प्रधानमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहते। उन लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, दिमाग बढ़ता है ठोकर खाने से, और ठोकर हम खाते हैं तो इसलिए दिमाग काम में तेज होगा। 2009 का जो इलेक्शन है, 2009 में इस देश के वामपंथियों ने बहन जी को जैसे ही प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करा, नहीं 2009 में जो लोकसभा का चुनाव है वहाँ वामपंथियों ने बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, और कहीं ना कहीं इस देश में एक मैसेज क्रिएट हो गया कि अब इस देश का प्रधानमंत्री दलित बनेगा, क्योंकि सामाजिक अभी परिवर्तन नहीं आया, अभी तक सोसाइटी इतनी नहीं खुली कि लोगों को अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिचक है। मेरा मानना यह है कि दलित मूवमेंट को आगे बढ़ने में उनको पॉलिटिकल लीडर को ये प्रधानमंत्री की हड़ को छोड़िए, जिस दिन दलित मूवमेंट में ताकत होगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और ये देख ध्यान रखना कि 2030 तक इस देश की व्यवस्था का मालिक, इस देश की जो सत्ता का जो मालिक है, मेरा ऐसा विश्वास है दलित एक्टिविस्ट होने के नाते कि अगर दलित मूवमेंट इसी तरीके से चलता रहा तो 2030 के आसपास जो है इस देश की व्यवस्था का मालिक दलित बन जाएगा। आपको लगता है सामाजिक संगठन, जो दलितों के सामाजिक संगठन है, वो RSS का टक्कर ले पाएंगे या RSS की तरह मजबूत हो पाएंगे? नहीं देखो ऐसा, क्योंकि आपने आज भी मंच से कहा कि हमें हमारे सामाजिक संगठन जो है वो राजनीतिक संगठनों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। नहीं देखो ऐसा है कि हमेशा दलितों को भी ये बात माननी चाहिए कि उनका जो उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी जो सामाजिक स्थिति है या उनकी जो लड़ाई है, जितनी मजबूती से उनके सामाजिक संगठन खड़ा कर सकते हैं उतनी मजबूरी से राजनीतिक संगठन इसलिए नहीं खड़ा कर सकते कि राजनीतिक संगठनों की हमेशा कुछ मजबूरी होती है, और उनकी वो राजनीतिक मजबूरी ही उनको मजबूत करती है कि वो दलितों की बातें इतनी इस मजबूती से नहीं कर पाते। मेरा मानना ये है कि अगर दलित मूवमेंट को बहुत आगे जाना है तो पॉलिटिकल के साथ साथ उसका जो सोशल मूवमेंट है वो बहुत आगे जाना चाहिए। एक बात और, जहाँ तक रही RSS की बात, तो मैं आपको ये बता दूँ कि दुनिया में दलितों के पास अगर कोई सबसे मजबूत चीज़ है
तो उसका सामाजिक आंदोलन है, और लोगों का आंदोलन जो है वो ऊर्जा, उसमें इतनी ऊर्जा नहीं है। दलितों के पास खाने के पैसे कम हो सकते हैं, उनके तन पर कपड़े कम हो सकते हैं, उनके पास संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ दलित मूवमेंट आगे बढ़ रहा है वो इसी मूवमेंट के साथ रहा, तो आरएसएस तो छोड़िए, कोई और भी संगठन उसकी पूरी नहीं कर पाए। चलते चलते देश के करोड़ों नौजवान जो अब थोड़ा जागने लगे हैं, उस बहुजन मूवमेंट को समझने लगे, उनके लिए संदेश? नहीं, देखो संदेश ये है, मेरा एक बात मानना कि आज जो भारत सरकार है या आरएसएस है वो दलित मूवमेंट से इसलिए उससे डरी हुई है कि 200 साल के दलित मूवमेंट में उसकी एक खासियत और है कि वो अहिंसक आंदोलन है। और मेरा ये मानना है समाज को देखने के नाते और इतिहास को देखने के नाते कि वही आंदोलन बहुत आगे तक जाते हैं जो हमेशा हिंसा से दूर रहते हैं, क्योंकि हिंसा आपको चमक दिला तो दिला सकती है लेकिन आपकी गति को कहीं ना कहीं वो धीमे कर देती है। तो मेरा ये मानना था, आप ये देखिए आजकल अर्बन नक्सलवाद के नाम पे क्या बात है भाई, अगर दलित जो है कोरे गांव में अपना शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं और जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया, आज भारत सरकार जो है कोरे गांव के नाम पर अर्बन नक्सलवाद के नाम पर दलित मूवमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और टीवी चैनल की बहस में वो इस बात का दावा करते हैं कि दलित आंदोलन को बाहर से फंडिंग हो रही है। हमको, मैं भारत सरकार से ये एड्रेस जानना चाहता हूँ कि उन देशों का भी नाम बता दे कि जहाँ जहाँ दलितों का कब्जा है या जहाँ जहाँ से दलितों को पैसा मिल रहा है। साथियों, जैसे जैसे दलितों की पावर संविधान के दायरे में आकर जैसे जैसे दलित अपने आप को पहचान रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है, अपनी सामाजिक स्थिति मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे दलितों के जो दुश्मन हैं, जो ये जो मनुवादी सरकारें हैं, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे घबराने लगे हैं। ये मानना है डॉक्टर सतीश जी का। बने रहें समतावाज टीवी चैनल पर, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।